हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। सो सुबह के 7 बज चुके हैं और मैंने सोचा कि आज मैं फटाफट जिम चल जाती हूँ। वैसे तो मैं लेट ही जाती हूँ 9-10 बजे, बट आज मैं इतनी जल्दी जा रही हूँ जिम क्योंकि मुझे बहुत सारे काम हैं आज। जैसे कि आपको पता है शादियाँ की तैयारियाँ चल रही हैं, तो बहुत सारे काम है पेंडिंग मार्केट के इधर उधर, तो मैंने सोचा कि मैं आज जल्दी जिम चल जाती हूँ। रेडियो चेक कर सकते हो, मैंने ब्लैक आउटफिट वेयर कर लिया आज के लिए और मैं फुल रेडियो जिम जाने के लिए। चलो जिम चलते हैं, आपको जिम जाके मिलते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ जो कि मैं भूल गई थी। मेरे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई है यहाँ पे लास्ट टू लास्ट वर्कआउट में, तो डॉक्टर की तरफ से यही रिकमेंड है कि मुझे कोई भी वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, शोल्डर चेस्ट ऐसे कोई भी एक्सरसाइज नहीं लगानी चाहिए बैक। तो फिर मैं अब जिम जाऊँगी तो ज़रूर, पर मैं वहाँ जाके आज कार्डियो सेक्शन करूँगी कि जिस पे मेरे इस मसल पे जोर ना आए। तो गाइस निकलते मैं छोटी बहन को अपने बाय कह जाती हूँ। बाय दृष्टि, मैं जा रही हूँ जिम। घर का ध्यान रखी। क्या ज्यादा जिम ना लगाई? क्यों? ध्यान रखी। चल ठीक है, ओके बाय। तो गाइस मैं फाइनली निकल चुकी हूँ, कार में आके बैठ चुकी हूँ। मैंने अपर वेयर कर लिया क्योंकि आज काफी ठंड है, तो मुझे थोड़ा सा ऐसे वीक वीक सा फील हो रहा था। तो अब मैं निकलती हूँ जिम के लिए। अब मैंने प्री वर्कआउट भी पी लिया है, अब मैं जा रही हूँ कार्डियो सेक्शन पे। मैं 45 मिनट्स के लिए पहले ट्रेडमिल करूँगी, फिर साइकिलिंग करूँगी, फिर क्रॉस ट्रेनर करूँगी क्योंकि मैं वेट ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकती इस इंजरी करके। तो अब हम आपको वर्कआउट करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू निष्ठा व्लॉग्स। पर अज मैं आई हाँ, तुसी सारे जाने मेरा वेलकम करो। और जिदा कि तुसी देखा होना निष्ठा जिम चली गई है, ते मैं हुने उठी हाँ, ते मैनू हजे भी इन्नी नींद आ रही है, इन्नी नींद आ रही है, पर उन्हें मेरे सिर ते आके बहुत ज़्यादा बोलना क्योंकि मैं तैयार भी नहीं हुई। ते आपा विआह दी तैयारियां शुरू कर दित्तियां ने, असी विआह लई कपड़े भी लैन जाने आ। लहंगा निष्ठा दा डिसाइड हो गया सीगा, उहदे आपा हल्दी आउटफिट चुकन जाना आ। ते चलो पहला मैं तैयार हो जावा, ते नाले तानु जीजी को कना मिला दवा, फिर आपा मिलते हैं। जीजी नोनी काका, नोनी 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 कुछ 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 कुछ। गाइज मैनू ना कोको नहीं लभदी पी, ते ए बहुत वड्डा स्यापा हुंदा, कदी जीजी इधर भज जांदा है, कदी कोको उधर भज जांदी है, इन्ना का स्यापा रहिंदा ना इन्हां नू। बस सारा दिन घर च यही देखदे रहो, जीजी कित्थे आ, कोको कित्थे आ। हुण तुसी सारे मेरे नाल लभो कोको नू, आ जाओ कोको। ओ कोको, जिद्दां कि मैं तुहानूं हुणे दस्सिया सीगा ना, जीजी कोको नहीं लभदे, इन्हां दा सारा दिन यही काम आ, कदी उधर। आ देखो किद्दां सुन रहा आ, इहनूं सब पता, इहदी गल्लां हो रही आ, इश्की बातें कर रही है, इश्की बातें कर रही है। जिद्दां कि मैं तुहानूं दस्सिया सी कि इन्हां नूं लभना बहुत औखा आ, ते उही मिशन दुबारा बन चुका आ, मैनूं कोको नूं लभना पै रहा आ। आ जाओ तुसीं वी मेरे नाल लभो, ते तुसीं वी देख लो जे लभदी आ तां। कोको कोको कोको, देखिया पैगी पसूड़ी। ऑलवेज यही मिशन रहिंदा कि कबूतर खा लवे, ऑलवेज ऑलवेज यही मिशन है इहदा। जीजी जीजी हुई हुई हुई, आ गई कबूतर, आ गई कबूतर, फड़ लो फड़ लो फड़ लो, आ गए कबूतर। टिड्डिया जिहा कबूतर खाना, टिड्डिया जिहा टिड्डिया जिहा। कोको भी लभ गई जी, कोको कहाँ पे नीनी कर रही थी, कहाँ पे नीनी कर रही थी, ओए ओए ओए। चलो गाइस हुण मैं रेडी हो जावा, नहीं तो निष्ठा ने आके मेरे नाल बहुत लड़ना है, तो तुहानू जिद्दां कि पता है वड्डियां भैणां छोटियां भैणां ते बहुत ज़्यादा रोप चाड़दियां ने, पर इदां दी कोई गल नहीं है, उत्ते मैं रोप चाड़दी आ। ते चलो ठीक है, तुहानू तैयार होके मिलते आ। गाइस जीजी ऐसा है ना, अगर इसको पता लग जाए कि घर में रोटी बन रही है या कुछ खाने को बन रहा है, देखो इसने यहीं आके साथ में बैठ जाना है ना, नानी के पास आके बैठ जाना है फटाफट, इसने रोटी खानी है, रोटी खाएगा नो। चलो हुण निष्ठा आने लगी है, तो मैं सोच रही हूँ हुण मैं तैयार हो जावा,
ਅੱਜ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜੀਣਾ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ ਬਲੌਗ ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜੀਣਾ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਕੈਮਰਾ ਕਰ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਗਈ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਆ ਤੂੰ ਯਾਰ ਬ్రో ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਤੇਰੀ ਆਪਾਂ ਹਲਦੀ ਦੀ ਵੀ ਡਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ तो गाइस मेरा फुल रेडी शेडी हो गई थी तो मेरे ना बाल फंस गए रबड़ बैंड में और मैंने दृष्टि को बोला कि बाल काट दे बाल ही काट दे जेदा ना सूट कट दे ना ओदा ना कहंदी भी मेरे बाल कट दो बाल ही रबड़ बैंड कट दे क्योंकि मेरे बाल ही कट देने स्यापा ही मुका देने आ ओ दृष्टि ओवर ना होया अगर बाल ना कटी समझ ही की करके ना आई है या मेरी गाल सुन मैं तन्न दिखाने एक मिनट बेओ आ देखो एदा जुलूस जुलूस देखो एदा की कीता इने यार जलूस नहीं है कुड़िया तुसी दसो कदे हो जांदा है ना इदा यार तेरे नाल भी हो सकदा है सो व्हाट जे तेरी गोती कटेगी पूरी मैं मेरा ब्लड कट हो जाना है ना ध्यान नाल कटी बाल ना कट दी एक भी बाल नहीं कटना चाहिदा ओए सिर खत्म खिची जानी है हां वेरी गुड मिशन कंप्लीटेड हैंड्स प्रूव्ड ओ प्रावर राम नल कॉल ओ आज सारा गुस्सा तेरे ते ही कटना मैं तू मेनू बहुत बोल दी है ना बहुत बोल दी है ना हुन तू देख छोड़ तू की कहनी मैं बाद च ना बोला तेनू तू व्लॉग च भी मेरी बेइज्जती करी जा रही है मेरे मगर पई रहंदी हर वेले इनू मौका चाहिदा मेरे नाल लड़न नु बस बड़ी वैर है यार तो गाइस हम रेडी शेडी होके निकल चुके हैं मैंने अपने बाल भी सही कर लिए हैं दृष्टि ने खोल दिए थे दृष्टि भी तैयार होगी हुन आपा जाना है बाजार क्योंकि देखो मेहंदी का आउटफिट रह गया एंड हल्दी का आउटफिट भी रह गया एक ही कोशिश रहूगी कि मैं दे हर एक ब्लॉग च आके एदी बेइज्जती ते तुसी हमेशा मेनू ही सपोर्ट करना तो गाइज आउटफिट रह गई सी मैं पहला भी गल कर रही सी ने आके विच टोकता मैनू ए भी सो मेरा हल्दी का आउटफिट रह गया एंड दृष्टि मेहंदी का भी रह गया सच चाबी पाके देती एक्टिवा दी फोन करके हुन कह रही है चाबी दे जाओ भैया ते अगो भी कहना मैडम खुद आओ लेने आपकी एक्टिवा है ना हुन आपां गड्डी च जा रहे हैं सो पहले गड्डी च जाना चाहुंदी सी सो आप गड्डी च जा रहे हैं एंड मैंने लगता है हुन सानू बाहर ही लानी पैनी है गड्डी ते पूरा बाजार पैदल करना पैना चलो बहुत हो गया ते हुन आपां नकोदर चौंक बहुत ज्यादा रश च फस चुके हैं सिर्फ और सिर्फ तेरे करके तेनू पता है जे तू एक्टिवा लै के आई हुंदी आपां कदों दे निकल जाना सी 20 मिनट हो गए फिर क्यों हो गया बस फिर क्यों हो गया ता कहनी है तेरा रोग चलदा रोग ता मेरा बच्चे मम्मी चल चल तो गाइस हमने अपने मां से आउटफिट भी उठाया था मेरे लहंगे का और दृष्टि को साथ ही भूख लगी नान खाने आ गई वैसे कह के मैं बहुत डाइटिंग कर रही हूं मैं ब्याह पे स्लिम ट्रिक जाना पर बहुत अच्छा है मैंने डाइटिंग करने की लोड़ है हां तुम देख सकते हो बहुत चबड़ी बहुत फैट है देखो लहंगा लूंगा लेके ऐसे आ गए नान खान जिदा निष्ठा की शक्ल है उदा का नान खाना नहीं जी देखो मैं तो बिल्कुल भी नान नहीं खाना मैं डाइटिंग ते उत्तों मैं कार्डियो कर रही हूं मैं तो नान खाना है मैं तो खाऊंगी मैं सिर्फ डाइट कोक पीऊंगी इथे तो इथे कोई डाइट कोक ओ पई है ओ पई है ओदे सामने में के डाइट कोक पई हुई है पेप्सी पेप्सी हां वही जीरो पेप्सी ये तो ज्यादा नहीं बेइज्जती करती छुपी कर ते तुसी साडे ब्लॉग नाल जुड़े रहो सानू लाइक करो सानू नहीं साडे ब्लॉग नु लाइक करो शेयर करो ते कमेंट चलो नान खा के मिलते हैं ओके की क्या सी हुने तू नहीं नान खाना खा मेरी गल सुनो मैं नान नहीं है ये मेरा लच्छा पराठा है विद चने चने पर ओ चल ओ चल मेरा भी लोग के पागल ना लोगों नु नान नहीं खानी अब गाइस नहीं बोलना अब कुछ और कह के स्टार्ट कर बहुत सारी शॉपिंग एंड मेहंदी आउटफिट भी हो गया फाइनली बहुत सारी शॉपिंग देख रहे हो हमारे खाली हाथ तो यार हमने वो ऑर्डर प्लेस मतलब हम लोग जाके बुकिंग्स वगैरह डन कराए हैं वो हमारे नापिया सब रेडी कर देंगे और हम कल लेके आएंगे हाँ और मेरा बैंगल आउटफिट भी रेडी हो गया मेहंदी भी रेडी हो गया लहंगा भी रेडी हो गया तो ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग डन हो चुकी है बस कुछ चीजें हैं जो रह गई हैं वो भी अभी कर लेते हैं मेरे को लग रहा है
गाइस तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं और जैसे कि पहुंचते कारीगर आ गए और दृष्टि अपने सूट जो है डिस्पैच करने लगी है। बहुत ही सोना आर्टिकल है, वैसे दृष्टि मैंने बहुत पसंद आ रहा है ते फुल तैयारियां शारियां हो रही ब्याह ते भी सानू कुछ एवें दा भी बनाना चाहिदा सीगा। हां ते फुल तैयारियां शारियां हो रही हैं भी। व्लॉग नु ना मिस करियो, नेक्स्ट व्लॉग नु भी इसी तरह आपा ए व्लॉग कर दे एंड एंड आपा मिलते हैं थोनू नेक्स्ट व्लॉग विच। जिन्होंने लाइक शेयर कमेंट नहीं किया जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो एंड नेक्स्ट व्लॉग देखना ना भूलो।